राम राम भाई। सारे भैया ने स्वागत है भाई ने व्लॉग में। और आज भाई बहुत सारे भैया की एक समस्या ही बिल्कुल निवारण कराँगा कि भाई रनिंग करने से कि साइड इफेक्ट है या नहीं है भाई, इन बात को पूरा बतावाँगा ये ब्यूरो इन व्लॉग में। बना रहे हो भाई वीडियो में लास्ट तक। भाई सारे भैया ने रनिंग करके बता दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में भाई वीडियो में आगे बात करा भाई 5 किलोमीटर रनिंग का क्या साइड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है या नहीं है, या लोग फिर सिर्फ बहाना बनाने के लिए भाई बात करिया करे, ठीक है ना। सारी बात इसी वीडियो में कराएंगे भाई, वीडियो में लास्ट तक बना रही हो और ठीक है वीडियो पूरा लास्ट तक देखियो, स्किप मत करियो भाई। स्किप किया तो पूरी सूचना नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। 5 किलोमीटर रनिंग और सेकेंड लास्ट राउंड चल रही हो 800 मीटर के अंदर, और कंडीशन देख सको भाई, ठीक है, पसीनों वगैरह। 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट है, ठीक है, कति गच टी शर्ट आली हो रही है। और अब भाई 400 मीटर में 2 बार एक्सरसाइज की कार्रवाई कंप्लीट कराएगा। तो देख ले भाई, पानी को नहीं पसीनो है भाई, पसीनो करके कंप्लीट है। और अब वापस पहुंच गया बास्केटबॉल वाले ग्राउंड के अंदर है, यहाँ भाई एक्सरसाइज करा। और फिर भाई आपने सारे भैया ने बताओ भाई रनिंग का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है भाई। जो मारो एक्सपीरियंस है, मेरे खुद को एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के ऊपर, मेरी खुद की बॉडी के ऊपर, वो एक्सपीरियंस आपके साथ में भाई शेयर कराऊंगा, ठीक है ना। मेरी रनिंग, मेरी डाइट और उसके अनुसार जो एक्सपीरियंस मेरी बॉडी के साथ में है, वो एक्सपीरियंस आप सारे भैया ने देवांगा भाई, ठीक है ना। लेयर घूमने का मतलब दुनिया गोल है, मेहनत के पसीने दे टी शर्ट दोरा का भाई, ठीक है ना। टी शर्ट में छेद जरूर हो सके भाई, पर मालिक की दया से मेहनत में कोई छेद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बीम भी लगा ली भाई, शोल्डर भी लगा दिया बैठे बट जिम में जाके वाली में। अब भाई घर जाऊंगा। और एक बात रह रही थी भाई कि 5 किलोमीटर रनिंग का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, तो भाई जिक्र तो मैं जितते भाई मैं रनिंग शुरू करी है लगातार यूट्यूब पे भाई 130 दिन हो गया है, 30 प्लस ही है 5 किलोमीटर दौड़ते हुए। एक दिन भी बीच में रेस्ट कौन लियो भाई, कटे भी गया, पर उसका भाई मन तो अब तक कोई साइड इफेक्ट को नज़र आया भाई, ठीक है। पर आप अगर डेली 5 किलोमीटर रनिंग और टोटल 2 घंटा वर्कआउट डेली को करो तो भी भाई थारी डाइट है जो डाइट उसका भाई मैं तो बहुत बढ़ जावे, तो भी डाइट ने भाई ज़रूर मेंटेन रखनी पड़ी, नहीं तो भाई आप 2 या 20 दिन भी कंटिन्यू रनिंग नहीं कर सको, ठीक है, 2 महीना छोड़ के। तो उसके लिए भाई जितनी कैलोरी आप खर्च करो उस ते प्लस में भाई कैलोरी आपने लेनी पड़ेगी वापस बॉडी के अंदर, तभी भाई कंटिन्यू रनिंग वगैरह सब कुछ हो पाएगी और वर्कआउट डेली चल पाएगा भाई, ठीक है। तो 5 किलोमीटर रनिंग करो भाई तो उसके लिए भाई आपने डाइट प्रॉपर मेंटेन रखनी पड़ेगी, बाकी तो भाई मन है तो कोई साइड इफेक्ट अब तक तो भाई नज़र आया कौन ही, ठीक है। बहुत मतलब YouTube पे रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं भाई 130 दिन तो हो गया 5 किलोमीटर दौड़ते हुए ना, उससे पहला भी भाई आप 6-7 महीना कंटिन्यू 5 किलोमीटर रनिंग करी भाई जब कुछ तैयारी करता उस टाइम में, ठीक है। तो भाई बात है भाई कि बाना बनाना छोड़ो और ग्राउंड में उतरो भाई, मैदान में जद ही भाई आपने से लिए ध्यान पड़ेगी आमने शरीर की और आमने भितरले में कितो एकदम है, ठीक है, आमने जिम में बिंगो। और जो भी चीज़ें हैं बेसब भाई प्रैक्टिकल करानी तब भी ध्यान पड़ेगा, ठीक है ना। जब मैं रनिंग शुरू करी ना भाई तब मैं पहले दिन 400 मीटर भी कौन दौड़ पाया तो, और आज 5 किलोमीटर में टाइमिंग सेट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यह भाई समय समय की बात है और मेहनत की बात है और ऊपरले परमात्मा की भाई दया ईश्वर की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई कमांड हुआ जब तब भाई सब कुछ पॉसिबल हो सके, ठीक है ना। और डाइट मत जरूर भाई फोकस करो अगर आप 5 किलोमीटर डेली रनिंग करो तो, ठीक है ना।
तो भाई वीडियो हो जाए ज़्यादा लंबो, तो वीडियो ने भाई अटेकरा समाप्त। वीडियो लागे भाई बढ़िया तो वीडियो ने करियो लाइक, चैनल ने करियो सब्सक्राइब। मिला भाई कल भी ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। बोलो भाई शंकर भगवान की जय भाई।